ऑक्सीजन ओएस 10.3.8 ईएल एडिशन जो कि स्लेयर की तरफ से अपडेट आया हुआ है ऑक्सीजन ओएस का, उसका रिव्यू आपको यहाँ पर मिलेगा रेडमी नोट 4 डिवाइस के लिए। और यहाँ पे हमें जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाती है, साथ साथ यहाँ पे कुछ बग थे जिनको फिक्स किया गया है, काफ़ी कुछ ऐसे फिक्स हुआ है आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। और यहाँ पे वाईफाई वाला जो प्रॉब्लम है उसको भी आपको कैसे फिक्स करना है उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी मैं अगले वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। अबाउट फ़ोन के अंदर हमारे यहाँ पे ऊपर प्रोसेसर डिटेल्स मिल जाती है, डिवाइस नेम वन प्लस 6 है जिससे कि पोर्ट किया गया है, स्लेयर जो कि यहाँ पे पोर्ट बाय स्लेयर नेम, एंड यहाँ पे हमारा जो कि ऑक्सीजन वर्जन 10.3.8 मिलता है, एंड्रॉइड वर्जन 10 है। बिल्ड नंबर आप देखोगे तो यहाँ पे यूएल एडिशन है और यहाँ पे 5 अप्रैल 2021 की सिक्योरिटी पैच मिलती है, बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। कर्नल आपका 3.18 बेस्ट एथरियल का कर्नल मिलेगा इसके अंदर, और आपका जो स्टेटस बार है कुछ इस तरीके से मिल जाता है। और यहाँ पे आपका जो साउंड प्रोफाइल है वो भी ऐड किया गया, बस उसकी परमिशन आपको दे देनी है, ये है परमिशन दे देनी है, उसके बाद आप यहाँ पर आराम से यूज़ कर पाओगे। बाकी सभी टॉगल्स आपको पहले की तरह ही मिलते हैं यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। एंड वॉल्यूम पैनल अभी आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा, पहले लेफ्ट में था लेकिन अभी आपको राइट में देखने को ये मिल जाता है। और हमारा जो पावर मेन्यू है फिलहाल पहले की तरह है, आप डेवलपर ऑप्शन से एडवांस रिबूट आप इनेबल कर सकते हो चाहो तो जा करके। एंड वॉलपेपर आपको यहाँ पे ऐड किए गए हैं काफ़ी सारे वॉलपेपर, तो आप देखोगे तो यहाँ पे वॉलपेपर भी आपको जो है काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे जो आपकी ऐप ओपनिंग है वो कैसी है, तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे ऐप ओपनिंग में आपको ज़रूर यहाँ पे कभी कभार लैग देखने को मिलेगा, हमेशा नहीं रहता लेकिन कभी कभार लैग मिलेगा, और रिसेंट भी उसी तरीके से कभी कभार लैग करने लग जाता है हल्का। और यहाँ पे आपका जैसे कि वो ऑक्सीजन ऐसा थी, यहाँ पे आपका होल्ड करने पे रिसेंट पे आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉक का, ऐप इन्फो का, स्प्लिट स्क्रीन का, एंड फ्री फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये सभी ऑप्शन हैं। और अगर आप चलोगे इसके विजेट्स में तो विजेट्स भी आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से विजेट्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है इसके अंदर, जेन मोड का भी दिया गया विजेट्स। और यहाँ पे हमारा जो सेटिंग्स है वो फिलहाल तो आपको सेम ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आइकन पैक की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको आइकन जो है वन प्लस का देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि तो आपका बाकी ऑक्सीजन ओएस रोम से थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। तो जैसे क्रोम का ही आप आइकन देख सकते हो, यहाँ पे आपका यूट्यूब हो गया, प्ले स्टोर हो गया, इन सब का आइकन आप देख सकते हो, बिल्कुल डिफरेंट आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है। तो आइकन पैक भी जो है थोड़ा सा आपको बाय डिफॉल्ट चेंज देखने को मिलने वाला है इसके अंदर। कैमरा आपका यहाँ पे कैमरा गो मिलता है इसके अंदर, आपका बुक के ऑप्शन ये सारी चीज़ें जो दी गई फिलहाल काम नहीं करता वो वाला ऑप्शन। एंड यहाँ पे आप जीकेएम यूज़ करो, इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड आप आराम से यूज़ कर पाओगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इसके अंदर स्लो मोशन नहीं काम करता, बाकी जीकेएम 8.1 आप आराम से यूज़ कर पाओगे वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। एंड यहाँ पे आपका मिल जाता है जैसे कि गैलरी की बात करें तो गैलरी आपकी बिल्कुल लेटेस्ट मिल जाती है, जो कि अभी एंड्रॉइड 11 में भी देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पे ब्राउज़ होने पिक्चर ब्राउज़ होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा था मैं देखा यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे फिलहाल अभी गैलरी गो यूज़ कर रहा हूँ साथ में, तो गैलरी गो आप चाहो तो इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से। एंड यहाँ पे गेम स्पेस जैसे कि इसका जो देखने को मिलता है इसके अंदर इस तरीके से ओपन तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, गेम स्पेस जो है इस तरीके से क्रैश कर जा रहा है, यहाँ पे कीप स्टॉपिंग वाली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर, तो एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पे गेम स्पेस के अंदर देखने को मिल जाती है, तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं फिलहाल इसके हार्डवेयर बटन लाइट की तरह, तो वो भी आपको यहाँ पे फिक्स देखने को मिल जाएगा इस अपडेट में। एंड कॉलिंग अंदर आपका वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल काम नहीं करता, उसके लिए आपको जो है थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना पड़ेगा, बाकी ब्लूटूथ ऑडियो आपका बिल्कुल ऐसे ऐसे काम कर रहा, साउंड क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है। एंड यहाँ पे हमारा जो प्ले स्टोर है ये किस तरीके से, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि प्ले स्टोर आपका बिल्कुल सर्टिफाइड है, सेफ्टी नेट पास मिल जाता है, तो बैंकिंग ऐप यूज़ करने में दिक्कत नहीं आएगी। एंड नेक्स्ट सेटिंग में चलते हैं, अब बात करते हैं वाईफाई एंड इंटरनेट की सेटिंग्स के अंदर, तो यहाँ पे हॉटस्पॉट तो आपका काम करता है लेकिन वाईफाई में क्या प्रॉब्लम आती है कि कनेक्ट होने के बाद भी चलता नहीं, यहाँ पे कनेक्ट नहीं होता मतलब प्रॉपर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्राइवेसी का जो ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पे यूज़ डिवाइस मैक आपको कर देना है, तो ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको यूज़ डिवाइस मैक कर देना है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको डिफ़ॉल्ट वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट रहता है, तो आप कनेक्ट करोगे तब भी आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है ये प्राइवेसी वाला, तो इस पर जो है आप यूज़ डिवाइस मैक कर देना, तो आपका यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा और ये प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो जाएगी। एंड यहाँ पे कास्ट आपका जो है काम करता है तो कास्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं फिलहाल डिस्प्ले के अंदर, तो डिस्प्ले में आपकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें काम करी, यहाँ पे रीडिंग मोड हो गया और नाइट लाइट हो गया, सारी चीज़ें काम करी, एम्बिएंट डिस्प्ले जो कि ये मेन प्रॉब्लम है आपका कि यहाँ पे इसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ये जो है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, काफ़ी ट्राई किया, काफ़ी टेस्ट किया, यहाँ पे रिबूट करके भी देखा लेकिन ये जो है काम नहीं कर रहा था, एक बग आपका इसका भी देखने को इसके अंदर मिल जाता है। लैपटॉप डिस्प्ले जो है आपका ये काम यहाँ पे नहीं कर रहा था, एक बग आपका इसका भी देखने को यहाँ पे
मिल जाता है जो कि अब मेन डिस्प्ले थी। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम मिलेगा, स्टेटस बार के अंदर आपकी नॉर्मल जो पहले सेटिंग्स थी वही सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती इसके अंदर, रोटेशन काम कर रहा है और कस्टमाइजेशन में भी आपको कुछ चेंजेस नहीं मिलेगी, सेम आपको थीम मिल जाती पहले की तरह, जैसे कि आप देख ही सकते हो क्लॉक स्टाइल भी सभी पहले वाले ही हैं। बाकी नीचे भी जितनी ऑप्शन आपके आइकन सेव हो गए, आइकन पैक, सारी फॉन्ट एंड सारी चीज़ें सेम मिल जाती है। साउंड में भी आपको कोई चेंजेस नहीं है, साउंड एंड सिस्टम जो कि आपका यहाँ पे मिलता है, सिस्टम साउंड ये सब पहले की तरह है। एंड यहाँ पे हम चलते हैं बटन एंड जेस्चर के अंदर, तो यहाँ पे नेविगेशन बटन की सेटिंग्स आपको मिल जाती है, जिसमें आप यहाँ पे चाहो तो जेस्चर यूज़ करो, बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है और काफ़ी अच्छे से जो है ये काम कर रहा है। और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे नेविगेशन जो कि जेस्चर बॉटम वाला, और साथ साथ यहाँ पे बैक होम रीसेंट जो कि आपका नेविगेशन बटन है, तो इसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, तीनों ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्विक जेस्चर में चलते हैं, तो यहाँ पे आपका थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट मिल जाता है, ये बिल्कुल अच्छे से काम करो, साथ साथ लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी आप कैप्चर कर पाओगे इसके अंदर, डबल टैप टू बैक भी आपका काम करा। बाकी म्यूजिक कंट्रोल ड्रॉ वाले जो ऑप्शन है ये काम नहीं करते हैं, ये पहले भी काम नहीं करते थे। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं फिलहाल सिक्योरिटी की तरफ, तो सिक्योरिटी के अंदर आपका फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक इसमें मिल जाता है और बिल्कुल अच्छे से काम करा, बस एंड्रॉइड 10 की तरह ही काम करता है ये फिंगरप्रिंट, जैसे एंड्रॉइड 10 में भी काम करते हैं। एंड यहाँ पे आपका जो फेस अनलॉक है वो फिलहाल काफ़ी फास्ट आपको देखने को मिलेगा, तो फेस अनलॉक का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, और सिक्योरिटी जो कि हमारी स्क्रीन लॉक सेटिंग्स है वो फिलहाल आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। एंड नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे मिल जाता है बैटरी का ऑप्शन, तो बैटरी की सेटिंग में तो कोई चेंजेस नहीं, लेकिन बैटरी की बात करें तो 2 आवर फुल ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 66% बैटरी हमें देखने को मिली है, तो बैटरी बैकअप भी आपको जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, तो बैटरी बैकअप में फिलहाल दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। एंड यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट आपको मिल जाता है और यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट फिलहाल मिल जाता है, यहाँ पे सारी आपका एक्टिविटीज़ अनलॉक नोटिफिकेशन सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड यूटिलिटीज़ के अंदर आपका यहाँ पे पैरेलल ऐप काम नहीं करेगा, डुअल ऐप जो कि ऐप लोकर आपका काम कर रहा है, शेड्यूल्स पावर ऑन ऑफ के लिए मिल जाता है, और आपका सिस्टम है जिसके अंदर आपको यहाँ पे ये नॉर्मली बाकी जैसे हमेशा सेटिंग्स मिलती थी वही सारी सेटिंग्स मिलेगी। एंटूटू स्कोर यहाँ पे 97,712 का जो है देखने को मिल जाता है इस अपडेट के अंदर। और अगर हम चलते हैं यहाँ पे बूट एनिमेशन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट बूट एनिमेशन भी ऐड किया गया जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो गूगल टाइप से आपको देखने को मिल जाता है, हालांकि जो है वन प्लस का ही यहाँ पे बूट एनिमेशन है, दोनों ही एक तरीके से मिक्सर आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, तो काफ़ी अच्छा देखने में यहाँ पे लग रहा है, तो कुछ इस तरीके जो है आपको यहाँ पे बूट एनिमेशन देखने को मिल जाता है इस वन प्लस का, और लास्ट में आपका जो बूट एनिमेशन है आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और जो अभी आपका यहाँ पे गेम की जो ग्राफिक है वो फिलहाल आपको यहाँ पे मिलेगी बिल्कुल स्मूथ पे, हाई बैलेंस पे, मीडियम, जैसे कि नॉर्मली सभी में अनलॉक रहती है आपके नोट 4 के सभी रोम में उस तरीके से है। एंड यहाँ पे मेन आपको जो प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली वो है गेमिंग के अंदर, तो अगर आप गेम करते हो तो गेमिंग में आपको ज़रूर यहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि गेमिंग परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको अच्छी देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे लैग काफ़ी देखने को मिल रहा है, बंदे आसपास नहीं थे उतने ज़्यादा, फिर भी यहाँ पे जो है लैगिंग फील हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा ही हो जा रही थी कभी कभार, तो ये एक दिक्कत फिलहाल मुझे यहाँ पे देखने को मिला है, और साथ साथ इसका एनिमेशन लैग, बस ये मेन प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली इसके अंदर जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसका जो एनिमेशन है यहाँ पे अगर आप लाइव वॉलपेपर सेट मत करना, इसके लाइव वॉलपेपर भी मिल जाते हैं, अगर आप सेट करते हो तो उस पर आपको जो है थोड़ा ज़्यादा ही लैग देखने को मिलता है, तो लाइव वॉलपेपर जो है यूज़ मत करना, ऐसे यूज़ करोगे तब आपको कभी कभार जो है एनिमेशन लैग देखने को मिलेगा। बाकी गेमिंग में तो आपको ज़रूर प्रॉब्लम होगी, क्लोज रेंज फाइट तो आप मुश्किल है कि जीतोगे, क्लोज रेंज में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए फिलहाल आप अगर गेमर हो तो दूसरी रोम पे शिफ्ट हो जाओ, बाकी ऐसे अगर आप यूज़ करना चाहते हो, एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, आप ट्राई कर सकते हो। बाकी जो भी था मैं आपको यहाँ पे क्लियर आपको बता दिया हूँ, तो यही सारी चीज़ थी आज के इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।